हेलो एवरीवन, आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का कार्य करता है और कंप्यूटर के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का एकत्रित समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संसाधनों और कंप्यूटर सिस्टम के सभी प्रकार के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये जो है ये कंप्यूटर हार्डवेयर है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया गया है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड हो जाता है तो हम अदर या अन्य सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इसमें डाल सकते हैं। मींस कि हम एक साथ विंडोज और यूनिक्स डाल सकते हैं और उसके बाद हम इसमें यूजर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स। इनमें सबसे पहले है एमएस डॉस, जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यह जो है वो माइक्रो कंप्यूटर के लिए मतलब पहले बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें यह ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ज्यादातर यूज होता था। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी एक समय में एक ही यूजर और एक ही प्रोग्राम चला सकता है। सेकंड जो है वो है यूनिक्स। यह एक मल्टीपर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका जो यूज है वो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है। यह मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करता है। एमएस डॉस जो है वो भी आपका क्या है, करेक्टर यूजर इंटरफेस था। नेक्स्ट है लाइनक्स। लाइनक्स भी आपका यूनिक्स जैसा ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करता है और यह एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है यानी निःशुल्क उपलब्ध होता है ये। नेक्स्ट जो है वो है विंडोज। विंडोज में आप दो वर्जन्स हैं विंडोज के, डॉस विद विंडोज एंड विंडोज एनटी। ये भी आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करता है विंडोज। नेक्स्ट जो है वो है आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करता है और ये मैकिंटोश कंप्यूटर के लिए इसको विकसित किया गया था, लेकिन ये केवल एप्पल के जो कंप्यूटर हैं उनमें यूज किया जाता है और मल्टीटास्किंग की सुविधा भी ये प्रयोग मतलब प्रदान करता है और बहुत ही अच्छा और सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स। गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।